Hello friends, welcome to my YouTube channel Wings Tutors. Today we are going to start an interesting topic, and the topic name is how to pronounce letter A sounds in English, because there are various sounds of A in English. We will choose from that sounds and we will discuss about some important sounds of letter A. आइए चलते हैं, लेटर ए के बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है और कौन कौन सी वेरियस साउंड्स जो हैं वो लेटर ए की हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपको इसमें फोनेटिक सिंबल भी दिए होंगे, इसमें आपको हिंदी का उच्चारण भी दिया होगा कि कैसे जो ए है इसकी साउंड्स हिंदी में कोरिलेट करती हैं, हिंदी में मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है। आइए पहले एक देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट जो साउंड है हमारे पास अ की है, फोनेटिक सिंबल भी आपके सामने दिया हुआ है। तो अ की साउंड एक प्रोड्यूस होती है ए से, बाद में हम डिटेल में इसकी विद एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद साउंड आती है आ, जो आ है, आ को मात्रा अ की होती है। तो इसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होती है ए की वो है ए, ए ई, ए। उसके बाद ए, फिर ए अ, उसके बाद जो लास्ट में है वो अ। तो आइए इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फर्स्टली जो हमारे पास ये वाला सिंबल है, फोनेटिक सिंबल भी इसका साथ में दिया गया है, ये वाला हिंदी का आधा अ है, आधा अ। तो आधा मतलब कि इसे सॉफ्ट, जो इसके साथ वर्ड बनेंगे उसे सॉफ्ट पैलेट के साथ हमने यूज करना है या बोलना है। जैसे कुछ वर्ड्स हमने यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, जैसे अनदर, अमेरिका, एक्नॉलेज, अबाउट, अवॉइड, अगो। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, तो इसको यूज कैसे करना है। जैसे हम लोग यूजुअली बोलते हैं अनदर, तो वो अनदर नहीं है, वो अनदर। अमेरिका हम लोग बोलते हैं अमेरिका, अमेरिका, तो वो मतलब हार्ड पैलेट से नहीं इनको बोलना है, तो सॉफ्ट पैलेट से बोलना है अमेरिका। एक्नॉलेज, अबाउट, अवॉइड एंड अगो, तो ये मतलब इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है इस वर्ड की अ की। तो इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो होता है आ, आ। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें मतलब आ ए की जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कुछ वर्ड है डांस, पास्ट, चांस, फार, कार, फादर। तो मतलब जैसे ये वर्ड है डांस, कुछ लोग इसे डांस बोलेंगे, वो अमेरिकन जो एक्सेंट होता है उसमें हम लोग डांस बोलते हैं इसे, तो ब्रिटिश में इसे डांस ही बोला जाएगा। पास्ट होता है, चांस होता है, फार होता है, फा ब्रिटिश में हम लोग जो आर होता है वो उसको मतलब जब लास्ट में आ रहता है तो उसे कम नहीं यूज करते, तो ब्रिटिश में एक्सेंट में हम बोलेंगे फा। तो इसके बाद आता का, इसके बाद आता फादर। तो नेक्स्ट साउंड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट साउंड है हमारी वो है ए, जो एनक वाली ए होती है, हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं। तो इसकी जो साउंड होती है मतलब जो होती है बैग, इसे थोड़ा सा और ज्यादा मतलब खींच के बोलना है। बैग, कैन, सेट, मैप, रैम, कैट, मतलब हिंदी में आपको साथ में दिया गया है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन हिंदी में क्या होगी, और इसका जो फोनेटिक सिंबल है वो भी आपको दिया गया है। तो ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब जिनके जहां पे ये वाला जो साउंड है वो प्रोड्यूस होगा, तो वो उनको थोड़ा सा लॉन्ग लेके जाना हमने। बैग, सेट, मैप, कैन, रैम, कैट। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ए की साउंड है वो है ए। कुछ वर्ड होते हैं जिनके मतलब के साउंड जो प्रोड्यूस होती है ए की होती है, जैसे प्ले, तो ये प्ले नहीं होता, मतलब ये प्ले नहीं है, ये प्ले। डे, से, लास्ट में इनकी ए ई की आवाज आनी चाहिए। डेट, तो डेट में ए मतलब सेकंड लेटर है, तो यहां पे आएगा डेट। नेम, ए, मेट, ग्रेट, स्पेस, मतलब कुछ लोग वर्ड्स बोलते हैं मेड या ग्रेट या स्पेस या नेम, ऐसे नहीं प्रोनाउंस होते, ये प्रोनाउंसिएशन उनकी है नेम, मेड, ग्रेट, स्पेस, से। तो ये वाली जो वॉइस है वो ऐसे ही इसकी प्रोनाउंस होती है। नेक्स्ट है हमारे पास ए अ,
कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें ए अ की आवाज है जो वो आती है, जैसे केयर, के आर, हम लोग क्या बोलते हैं, केयर केयर, वो केयर नहीं होता, के आर, केयर, डेयर, शेयर, ए अ, हेयर, स्पेयर, स्टेयर, मेयर, फ्लेयर, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऐसे प्रनाउंस किया जा सकता है, ये वाले जो इनके मतलब के प्रनाउंसिएशन है ऐसे ही होती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जो ये है ओ, जो ज्यादातर बोला जाता है ओ। तो कुछ लोग बोलते हैं वाटर, कुछ लोग बोलते हैं टॉक, कुछ लोग बोलेंगे पॉल, अवेसम बोलेंगे कुछ। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे वाटर, टॉक, पॉल, असम, ऑल, बॉल, स्मॉल, मतलब ये वाली जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ की निकलेगी, ना कि हम लोग इसको ए को वाटर बोलेंगे। वाटर, टॉक, मतलब टॉक बोला जाएगा ना कि टॉल्क, पॉल बोला जाएगा ना कि पॉल, असम बोला जाएगा ना कि अवेसम, ऑल, बॉल, स्मॉल। तो ये कुछ मतलब के चीजें थी जिनके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये छोटी छोटी बातें हैं इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये ए की कुछ प्रोनाउंसिएशन थी, जो साउंड्स थी, इंपॉर्टेंट साउंड्स थी जो ए की, जिनको अलग अलग तरीके के साथ यूज किया जा सकता है। ऐसे यूज किया जा सकता है कि हम लोग अगर एक को दूसरे की जगह यूज कर देंगे तो उसके वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ सिमिलर वर्ड है, स्नैक है, उसको स्नैक स्नैक बोला जाता है, तो उसके साथ का वर्ड स्नेक होता है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो यही चीजें इन्हें डिफरेंशिएट करती हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरा चैनल अब इंस्टीट्यूट और सिलाई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।